दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना हो, किसी भी लड़की को अपने प्यार में बेचैन करना हो, या किसी भी शादीशुदा महिला को अपने प्यार में दीवानी बनाना हो, तो आप एक नींबू और चार लौंग लेकर के इस उपाय को कर दीजिए और अगले दिन से वो स्त्री आपके प्यार में बेचैन होकर दीवानी होकर आपके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नींबू और चार लौंग लेना है। इसके बाद नींबू को इस प्रकार से काटना है कि उसका भाग अलग ना हो, यानी उसके दो भाग ना हो, पर चारों लौंग को नींबू के अंदर रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर लेकर के इस नींबू पर छिड़क देना है। इसके बाद इस नींबू को हाथ में पकड़कर अपनी प्रेमिका का नाम लें जिसको अपने बस में करना चाहते हैं। इसके बाद पूरब दिशा की ओर बैठ जाइए किसी भी चौराहे पे और दो चार अगरबत्ती जला लीजिएगा और अपने मन में आपको बोलना है त्रिम त्रिम त्रिम। उसके बाद उस औरत या लड़की का नाम लेकर आपको बोलना है तुम मेरे बस में हो चुकी हो, तुम्हें दुआई है अघोरी बाबा की, तुम मेरे बस में हो चुकी हो, तुमको दुआई है अघोरी बाबा की, मेरे पास आ रही हो, तुम मेरे पास आ रही हो। इसी को अपने मन में दोहराते रहना है लगभग आधे घंटे तक। इसके बाद इस नींबू को अपने घर वापस ले आए और अगले दिन किसी भी बहते हुए पानी में बहा दीजिए। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है। इतना करते उपाय हो जाएगा, वो स्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, आपसे मिलना चाहेगी। तो दोस्तों, अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इस उपाय को एक बार अवश्य करिएगा जिससे आप अपने प्यार को अवश्य पा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।